वेलकम टू माई चैनल, मैं हूँ आपकी दोस्त श्रुति गुप्ता। दोस्तों आज का वीडियो बहुत ही खास है क्योंकि आज के वीडियो में मैं आपकी स्माइल का ख्याल रखने वाली हूँ। जी हाँ दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपके साथ दो ऐसी रेमेडी शेयर करने वाली हूँ जो आपकी स्माइल को खूबसूरत बनाएगा। जी हाँ दोस्तों, इस रेमेडी से आपके दांत का पीलापन खत्म होगा और आपके दांतों का दर्द चुटकियों में गायब हो जाएगा। साथ ही अगर आपके दांतों में कीड़े लगे हैं तो वो भी खत्म हो जाएंगे। दोस्तों हम सभी जानते हैं हमारे फेस पर जो स्माइल होती है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। कभी कभी बहुत सारे काम हमारी स्माइल बना देती है, इसलिए हमें अपने स्माइल का ख्याल जरूर रखना चाहिए। दोस्तों मैं जो भी होम रेमेडी आपके साथ शेयर करूँगी ना, बहुत ही नेचुरल होगी और उसके लिए आपको एक भी रुपये खर्च नहीं करने पड़ेंगे, यानी बिल्कुल फ्री होगा और आपका काम तुरंत बन जाएगा। लेकिन दोस्तों इस रेमेडी को ट्राई करने से पहले आपको कुछ बातों का ख्याल रखना होगा। दोस्तों सबसे ज़रूरी बात कि हमारे दांतों में कीड़े क्यों लगते हैं। हम सभी को पता है कि जो हम खाना खाते हैं अगर दांतों के बीच फंस जाता है तो वहाँ पे कीड़े लग जाते हैं, इसलिए हमें दांत को साफ रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। लेकिन दोस्तों कुछ लोगों की आदत होती है कि वो सुबह ही ब्रश करते हैं, रात को ब्रश नहीं करते, लेकिन ये आदत बिल्कुल गलत है। हमें रात में ब्रश करना बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि हम खाना खाने के बाद सीधे सो जाते हैं और जो गंदगी हमारे दांतों में फंसी रह जाती है, इसलिए रात के टाइम ब्रश जब हम करते हैं तो हमारे जो मुंह के अंदर की सफाई है वो पूरी तरह से हो जाती है, उसमें कोई भी गंदगी जमा नहीं होती और हमारे दांतों पे कीड़े नहीं पड़ते। लेकिन दोस्तों जो हम सुबह ब्रश करते हैं उससे भी हमारे दांतों की गंदगी साफ़ हो जाती है, लेकिन साथ ही में फ्रेशनेस भी महसूस होती है, हमारा मूड फ्रेश खुशनुमा हो जाता है। तो दोस्तों हमें रात को ब्रश करना बिल्कुल मत भूलिए, सुबह भी ब्रश करिए, दोनों टाइम ब्रश करना हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है। साथ ही दोस्तों अगर आपके दांतों के बीच अगर ज़्यादा जगह है तो हो सके तो आप उसे भरवा लें। अगर वो नहीं आपको टाइम है भरवाने का तो उसे ज़रूर साफ रखें, क्योंकि उस जगह जो खाना फंसेगा तो आपके दांतों में कीड़े लग जाएंगे। साथ ही दोस्तों इस होम रेमेडी को ट्राई करने से पहले आपको बता दें, अगर आपके दांतों में बहुत ज़्यादा कीड़े लग गए हैं तो आप बिल्कुल वो आखिरी पोजिशन में आ गया, उसके बाद कुछ भी नहीं बचा है तो आपको तुरंत डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। लेकिन अगर आपके दांतों में कीड़े लगने अभी शुरू हैं तो आप इस होम रेमेडी को तुरंत ट्राई करें। दोस्तों इस होम रेमेडी को बनाना और ट्राई करना बहुत ही ज़्यादा ईजी है, तो चलिए हम देख लेते हैं कि ये होम रेमेडी कौन सी है। दोस्तों फर्स्ट रेमेडी तैयार करने के लिए हमें चाहिए नींबू और सोडा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ मैंने 2 से 3 चुटकी सोडा लिया है और बस हमें 2 से 3 बूंद नींबू चाहिए, उससे ज़्यादा नहीं चाहिए। दोस्तों आप सभी को पता होगा सोडा और नींबू में एसिडिक तत्व पाए जाते हैं। अगर हमारे शरीर में कहीं पे भी कालापान हो, गंदगी जमा हो, तो उस गंदगी को सोडा और नींबू काट सकते हैं, लेकिन इनका ज़्यादा उपयोग हमारे स्किन को भी काट सकता है, इसलिए हम दांतों पर केवल 10 सेकंड ही इसका यूज़ करेंगे। दोस्तों जैसे है ये सोडा और नींबू हमारे गर्दन के पीछे की गंदगी या अंडरआर्म्स की गंदगी कालापन काट सकता है, उसी तरह हमारे दांतों की गंदगी यानी पीलेपन को दूर कर सकता है। बस हमें क्या करना है, इस सोडे में हमें 2 से 3 बूंद नींबू डालना है। बस आप देखेंगे सोडा में 2 से 3 बूंद नींबू डालने पर ये फेना तैयार होने लगा और इसे ब्रश के माध्यम से मिक्स करेंगे और इस मिक्सचर को अपने दांतों पे अप्लाई करेंगे, लेकिन बहुत हल्के हाथ से। अगर बहुत तेज़ करेंगे तो इससे हमारे मसूड़े कट सकते हैं, इसलिए हफ्ते में 1 दिन या 2 दिन, बहुत ज़्यादा 2 दिन हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप तंबाकू वगैरह खाते हैं उससे भी आपके दांतों में गंदगी हो गई है, काला हो गया, बहुत ही गंदे दांत लगते हैं तंबाकू वाले, तो ये जो सोडा और नींबू तंबाकू की गंदगी को भी साफ कर सकता है और आपके दांतों को चमका सकता है। दोस्तों हमें सेकंड रेमेडी तैयार करने के लिए चाहिए लौंग और चाहिए नींबू। जी हाँ दोस्तों, आपको लौंग को सिर्फ 2 लौंग चाहिए आपको, और इस 2 लौंग को कुछ इस तरह आपको दरदरा पीस लेना है, बहुत ज़्यादा महीन नहीं करना है। ये मैंने 2 लौंग पहले ही दरदरा पीस ली है, इस तरह आपको किसी से क्रश कर लेना है, पीस लेना है इसे, और इसमें थोड़ा सा नींबू आपको मिलाना है। बस इस लौंग में आपको नींबू लगाना है। दोस्तों लौंग जो होती है एंटीसेप्टिक होती है और ये हमारे दांतों के कीड़े को बाहर कर सकती है। जी हाँ दोस्तों, अगर आपके पास लौंग का तेल है तो आप नींबू और लौंग का तेल लगाएंगे तो आपके दांतों के कीड़े जो हैं वो निकल के बाहर हो जाएंगे। साथ ही दोस्तों ये जो लौंग है ये आपके दांतों के दर्द को
चुटकियों में दूर कर सकता है। तो आपको ये रेमडी लेनी है लौंग और नींबू वाली, और इससे आपको जहाँ पे भी जिस भी दांत में दर्द हो रहा है वहाँ पे कुछ ऐसे रखना है, और इससे दांतों में दर्द नहीं हो रहा है, मैं आपको बता रही हूँ इस वक्त, और दांतों के बीच में इसको दबा के रखना है लगभग 30 सेकंड तक आपको इसे दबा के रखना है। उसके बाद देखेंगे ये जो लौंग का रस होगा वो आपके दर्द को ख़त्म कर देगा। नींबू भी हमारे दांतों के दर्द में बहुत अधिक फ़ायदेमंद है। साथ ही दोस्तों अगर आप इसे दिन में कई बार अप्लाई करते हो तो आपके दांतों के कीड़े जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे। अगर आपके दांतों में अभी दर्द हो रहा है ना तो इसे ज़रूर ट्राई करिए, और रिजल्ट जो है ना मुझे कमेंट्स बॉक्स में बताइए, तुरंत ही आपको रिजल्ट मिलने वाला है 100%। दोस्तों कितनी आसान है ना ये रेमडी यूज़ करना और इसे बनाना भी। दोस्तों आप इसका इस्तेमाल करिए जिससे आपके दांतों की चमक ना बिल्कुल मोतियों जैसी हो जाएगी और आपकी स्माइल की रौनक बढ़ जाएगी। जी हाँ दोस्तों, पीले दांत हमारी स्माइल को भद्दा बना देते हैं, तो दांतों को दांतों का जो पीलापन है उसे ख़त्म करिए इस रेमडी को यूज करने के बाद। ये रेमडी जो है दोनों आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। आप देख सकते हैं इस रेमडी का इस्तेमाल मैंने अभी अभी अपने दांतों में किया है आपको बताने के लिए, और दांतों का जो पीलापन है बिल्कुल भी नज़र नहीं आ रहा है। तो दोस्तों इसी तरह मैं अपने दांतों का ख्याल रखती हूँ और बिल्कुल भी पीलापन नहीं नज़र आता है दांतों में। तो दोस्तों इस रेमडी को ज़रूर ट्राई करिए, आपको तुरंत रिजल्ट होगा। बस याद रखिए जो सोडा होता है वो हमारे मसूड़ों को काट सकता है, इससे 10 सेकंड से ज़्यादा हमें ये ब्रश नहीं करना और हल्के हाथों से करना है। बहुत ज़्यादा बर्तन की तरह अपने दांतों को नहीं मांजना है। अगर हम बहुत तेज़ी से अपने दांत करते हैं तो हमारे जो मसूड़े हैं वो ढीले हो जाते हैं और हमें मसूड़ों का दर्द झेलना पड़ सकता है। और हाँ, इस रेमडी को आप रेगुलर इस्तेमाल नहीं करेंगे, हफ्ते में 1 या 2 दिन ही इस्तेमाल करेंगे दोस्तों। और जो दांतों के दर्द वाली रेमडी है आप उसे तुरंत ट्राई करिए, अगर आपके दांतों में दर्द है आपको तुरंत ही आराम मिलेगा, रिजल्ट आपके सामने होगा। दोस्तों आई होप कि जो मेरी रेमडी है आपके लिए बहुत ही यूजफुल हो, हेल्पफुल हो। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करिएगा और मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद नहीं आता तो आप उसे अनलाइक भी करिएगा, क्योंकि अनलाइक का बटन भी आपके लिए है। अनलाइक क्यों किया मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियो में अपनी गलती को सुधार लूँ। दोस्तों और इस वीडियो को अपने परिवार के सदस्यों और मित्रों के साथ ज़रूर शेयर करिएगा। दोस्तों वीडियो को लेकर कोई भी मन में सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं। हेल्थ और ब्यूटी से लेकर कोई भी सवाल है तो आप मुझे कमेंट्स बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपका जो भी सवाल होगा उसका रिप्लाई ज़रूर करूंगी। दोस्तों अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो नीचे रेड कलर का बटन क्लिक करके उसे ग्रे कर दीजिए और बगल में लगी घंटी बजा दीजिए, ताकि आने वाली वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच सके। मैं हेल्थ और ब्यूटी से लेकर वीडियोस आप लोग के लिए लाती ही रहती हूँ। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले जय हिंद जय भारत।